10th class students, good morning. Sri Kshetreshwar English Academy and Child Career YouTube channel पे आपका स्वागत है. हमने लास्ट क्लास के अंदर 15.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे. 4 के 3 पार्ट थे, वो भी कंप्लीट कर लिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंडल ऑफ ए क्लॉक. आपकी क्लॉक है उसका मिनट वाला नीडल, उस हैंडल वो नोट कर रखा इज 10.5 सेंटीमीटर. उसकी लेंथ दे रही है 10.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर सर्कुलेट बाय मिनट हैंडल इन 10 मिनट. वो 10 मिनट के अंदर वो कितना एरिया कवर करेगा, उस एरिया का अपन को एरिया फाइंड करना है. ओके, एग्जाम्पल अपन डायग्राम बना के समझेंगे. कल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, आपको खुद को सेल्फ ही नोट करना है. 5 नंबर क्वेश्चन, सॉल्व द लेंथ, द लेंथ ऑफ ऑफ द मिनट मिनट हैंडल एंड इज इक्वल टू कितना. वो क्या होता है कि आपके रेडियस होता है कि जो मिनट का नीडल है उसकी आपके जो लेंथ है वो इसमें क्या हो जाएगी, सर्किल के ऊपर रेडियस हो जाएगी. स्मॉल आर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपको और क्या है दे रखा है. एंड 5 कितने मिनट के अंदर वो बोल रहे हैं, 10 मिनट के अंदर. 10 मिनट मैंने एक आपको लाइन नोट कराई है, पहले नोट डाला के एक फॉर्मूले तब नोट किया था. क्या नोट किए थे, द मिनट हैंड ऑफ इज वाच वाच मूव राउंड राउंड 6 degree during 6 degree during 1 minute 1 minute. इधर देखिए अपन एक वाच बनाते हैं, ये वाच बना दिए. इस वाच का सेंटर पॉइंट हो गया और ये एक मिनट वाला निडल हो गया. ओके, अब इसकी आपको लेंथ दे रही है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर. कितनी दे रही है, 10.5 सेंटीमीटर. तो एक इस टाइप से ये क्या करेगा, कंटिन्यू एक सर्किल बनाएगा. कितना बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा. ओके, इस सर्किल में एक मिनट वाला कंप्लीट एक राउंड करेगा तो कितने मिनट हो जाएंगे, टोटल 60 मिनट हो जाएंगे. कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट. फिर ये राउंड करेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, वापस कंप्लीट राउंड करके वापस यहाँ 60 मिनट पे आएगा, राउंड कंप्लीट होगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा. एक सेंटर पॉइंट है उस पर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का. तो वो 1 मिनट के अंदर कितना बनेगा, 360/60, वो हमने डायरेक्ट लाइन नोट करा दिया. मैंने पहले ही आपको द मिनट हैंडल ऑफ ए वॉच मूव राउंड ऑफ 6 degree ड्यूरिंग 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर कितना वो एंगल बना रही है, कितना बना रही है, 6 degree. कैसा है 6 degree, वो भी आपको पता चल गया, 360/60. ओके, कैसे वापस समझ लो, एक मिनट वाले मिडल है, एक राउंड कंप्लीट करेगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट. और वो एक कंप्लीट राउंड करेगी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360. तो 360/60 एंड कितना हो जाएंगे, 6 degree. ओके, 1 मिनट के अंदर. तो अपन को अब कितने मिनट के अंदर दे रहेगा, इसके अंदर 10 मिनट के अंदर कितना मिनट दे रहेगा, एरिया या मिनट, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच 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 एंगल ऑफ एंगल ऑफ एंगल इन 10 मिनट. कितने मिनट के अंदर,
10 मिनट के अंदर कितना एंगल बनेगा, तो क्या हो जाएगा 6 डिग्री मल्टीपल 10, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, कितने का हो गया 60 डिग्री का। ओके नेक्स्ट, अब अपन को इसमें क्या फाइंड करना है कि जो सर्किल बनेगा मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट यहाँ तक आएगा, ये इसके अंदर ये जो बना हुआ है इसका अपन को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया एरिया ऑफ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब पाई पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 मल्टीपल आर की वैल्यू 10.5 मल्टीपल 10.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 360 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो ये कैंसिल हो गया कितने टाइम, 6 टाइम, और ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, 1.5 टाइम। ओके फिर ये 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 3, ये 2 की टेबल से 11 टाइम। ओके अब क्या लेफ्ट बचा है, 11 × 1.5 × 10.5 / 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 0.5। ओके अब लेफ्ट क्या है, 11 × 0.5 × 10.5, इनका मल्टीपल करा दो आपके आंसर आ जाएगा, क्या मल्टीपल कराने पे आंसर आया आपके 57, एरिया इक्वल 57.75 यूनिट क्या दे रहे कि सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर नोट कीजिए, ये आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज, सर्किल की रेडियस आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल रोटेशन ए कॉर्ड एट द सेंटर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ऑफ द सर्किल फ्रॉम ईच कॉर्ड, उसका सर्किल में बन रहा है एरिया सेगमेंट का वो एरिया फाइंड करना है। ओके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, आप सेल्फ नोट करना, सॉल्व रेडियस रेडियस ऑफ ए सर्किल स्मॉल आर इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एंगल एंगल ऑफ ए कॉर्ड एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल कितना बना रहे हैं वो 90 डिग्री, कितने का है 90 डिग्री का। जैसे देखो इधर देखो, ये सर्किल बना हुआ है, यहाँ पे ये आपके सेंटर पॉइंट है, ये आप जिसकी रेडियस हो गई है, ये रेडियस की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ओके यहाँ पॉइंट दे देता हूँ ए,
एंड बी, यहाँ पे वो एंगल बता रहे हैं कि 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो ये कार्ड वन डे ए बी, तो इसको आपको एरिया कौन सा फाइंड करने को पूछा है, ये सेगमेंट इसका जो मैंने लाइन बना रखा है, लाइन की है एरिया के अंदर, उसका एरिया अपन को फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड द एरिया, द एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा, एरिया फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, वैल्यू नोट करो इसके अंदर और आपके आंसर आ जाएंगे। कीजिए 22/7 मल्टीपल रेडियस दे देंगे 3.5 मल्टीपल 90 अपॉन में 360 माइनस 1/2 3.5 और मल्टीपल साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये कैंसिल कर दो, कितने टाइम, 4 टाइम, ये कैंसिल कर दो 0.5 टाइम, तो कितना आ जाएंगे, इसको मल्टीपल करोगे तो 11 मल्टीपल 3.9 मल्टीपल कुछ नहीं है आपको अपॉन में 4 और माइनस 1/2 मल्टीपल 3.5 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपकी क्या आ जाएगा, आप सॉल्व करना, इधर मैं नोट कर रहा हूँ, इधर 11 × 5.55 अपॉन 4 माइनस इसका हो जाएगा 12.25 अपॉन 2। अब माइनस करो क्या आंसर आ रहा है, माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद तो आप क्या आ रहे हैं आंसर, अबाउट 3.59, यानी इसको अपन ऐसे भी नोट कर सकते हैं, अबाउट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इसको 3.50। ओके, नोट कीजिए, ये आपके आंसर है, सॉल्व इट अवेयर, नोट कीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 आपको सेल्फ करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको सेल्फ करना है, इजी है, समझा देते करा देते, चलो क्वेश्चन नंबर 7, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 22 सेंटीमीटर, इसकी सर्कमफेरेंस आपको गिवन है कितनी, 22 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ वन क्वार्टर यानी फोर्थ पार्ट का एरिया फाइंड करना है। कैसे, क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, द सर्कमफेरेंस of
इस सर्किल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। रेडियस फाइंड कर लेते हैं अपन पहले 22 अपॉन 2 मल्टीपल 22 मल्टीपल 7 ये कैंसिल हो गए तो कितना आएगी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर क्या दे रहा है 1 क्वार्ट का एरिया फाइंड करना है। देखो ये सर्किल बन गया। अब इस सर्किल के अंदर कितने 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, वहाँ ऐसे 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ये 1, 2, 3, 4 ओके। इनमें से 1 का 1 का एरिया फाइंड करना। तो जो एरिया अपन ट्रेंग इस सर्किल का फाइंड करेंगे तो उसके अंदर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका एरिया आ जाएगा ओके। क्योंकि 4 पार्ट है और 4th भी कैसे हैं इक्वल हो गए तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला फाइंड करके उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे ओके। सॉल्व करते हैं द एरिया ऑफ ऑफ इट 1 तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सर्किल का होता है तो इसके किससे मल्टीपल करते हैं 1/4 से तो इसका आ जाएगा। तो कर दो 1/4 22/7 मल्टीपल आर की वैल्यू 3.5 ये कैंसिल कितने 0.5 ये 2 की टेबल से 11 और ये 2 क्या लेफ्ट है 0.11/2 0.5 मल्टीपल 3.5। सॉल्व करो क्या आंसर आता है इसका फिर नोट करते हैं क्या आ जाएगा 9.265 कितना आ रहा है एरिया एरिया 9.265 नोट कीजिए सेंटीमीटर इसको ये आपके एरिया 625 हो जाएगा नोट कीजिए। एट नंबर क्वेश्चन एट एट नंबर क्वेश्चन क्या है मिनट हैंडल ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ओके रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दिस हैंड इन 7 मिनट ओके। 7 मिनट के अंदर कितना एरिया वो फाइंड करता है वो आपको फाइंड करना है एरिया ओके। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपको सेल्फ नोट करना है गिवन मिनट एंड ऑफ इक्लो इज 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ओके। नेक्स्ट दे रखा है मैंने आपको एक लाइन नोट कराई थी जो उसके साथ मिनट वाली के साथ भी वो भी नोट कर देते हैं वी नाउ दैट क्या लाइन थी द और and of watt watt या
क्लॉक मूव राउंड राउंड 1/2 ड्यूरिंग 1 मिनट। क्या दे रखे है? एक हैंडल है जो आपके कौन से घंटे की सुई का है और वो भी आपको मूव करता है। कितने ये कंप्लीट कर देगा तो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 1/2 का बनेगा। कैसे? इधर देखो, ये निडल है। ओके, अब ये कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट होगा तो टोटल कितना आवर होगा? कितना आवर हो जाएगा? 12 आवर हो जाएंगे। फिर एंगल कितने का बनाएगा? 360 का। कितने का बनाएगा? 360 का। तो 1 आवर के अंदर कितने का एंगल बनाया? 360 अपॉन 12 यानी कितने का बनाया? 30 का। इधर देखना, ये कंप्लीट राउंड करेगी तो टोटल टाइम कितना होगा? 12 और। कितना होगा टोटल टाइम? 12 और होगा। और टोटल एंगल कितना बनेगा? ये 360। कितना बनेगा? 360 डिग्री। ओके, नोट कैसे ये प्रूफ हुआ ये भी नोट करते हैं। 12 और इक्वल टू 360 डिग्री एंगल। ओके, तो 1 आवर के अंदर कितना हो गया? 1 आवर 360 अपॉन 12 इजिकल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री। अब 1 आवर से 30 डिग्री यानी 60 मिनट। 1 आवर यानी 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा? 1 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 60। तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 1/2 डिग्री का। ये लाइन हमने नोट की थी, आपको ऐसा में नोट कर लेना है। ओके, आपको कैसे पता चला कि 1/2 आया? तो ये ऐसे 1/2 आया। ओके, नेक्स्ट आपके अब इसमें क्या दे रहेगा? 7 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगी ये? कितने दे रखे हैं? 7 मिनट। तो इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, कौन सा है? हैंडल है मिनट, एरिया फ्रॉम 7 मिनट। 7 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से ना, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 7 मिनट। कितने? 7 मिनट। तो 7 मिनट के कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीपल 7। तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 7 मिनट इजिकल टू 7/2 डिग्री का। ओके, ये बन गया एंगल। ओके, अब अपन को क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अंदर? क्या एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 5 × 5/360 मल्टीपल, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 7/2। ओके, अब इनको सॉल्व कीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। इनको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएंगे आपके। देखो, कैंसिल भी करो, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये 7 से ये 7, आपके आंसर आप सॉल्व करोगे ना तो पॉइंटों के अंदर आएगा, बहुत ज़्यादा है 11। ओके, आपके आंसर आ रहा है लगभग कितने? मैं सॉल्व करता हूँ, एक मिनट पेन। .764 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। नोट कीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 8 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 9 नंबर। वो कर लेते हैं कंप्लीट।
15.2 का लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है? गिवन ए फिगर ए बी सी डी, ए फिगर दे रखा है, इज ए रेक्टेंगल इन विच साइड ए बी 10 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द ईच वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर 4 सर्कल्स, कितने है 4 सर्कल्स विथ रेडियस उसकी दे रखे 3.5 सेंटीमीटर ईच आर ड्रॉन, फाइंड द एरिया ऑफ सेड प्रोस्टन, जो डार कर रखा है उसके एरिया फाइंड करना है। इधर देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिगर क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, सेल डाइक पहले गिवन नोट कर देता हूँ, गिवन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल रेक्टेंगल ओके ए बी इज इक्वल टू आपको दे रही है 10 सेंटीमीटर और बी सी दे रही है आपको बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ओके एंड ईच वर्टेक्स 4 सर्किल द ईच वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगल 4 सर्किल विथ रेडियस आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर ओके ये आपको दे रखा है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड फाइंड द एरिया एरिया ऑफ सेड पोर्शन सेड पोर्शन ये एरिया फाइंड करना है। डायग्राम देखिए ऐसा बना हुआ है, ये आपके ए बी सी और डी, ए बी आपको दे रही है 10 सेंटीमीटर, सी डी दे रही है आपको और बी सी दे रही है 7 सेंटीमीटर ओके ये ऐसे बना हुआ है। ऐसे फोर पार्ट्स बने ओके और इनमें से ये आपके क्या कर रखे हैं डार्क हैं यानी डार्क शेड शेड पोर्शन शेडेड पोर्शन ओके इसका एरिया आपको क्या करना है फाइंड करना है ओके और इसके अंदर आपको देखिए इसी की आपके ये क्या है सर्किल की रेडियस है वो भी कितनी है 3.5 ये भी 3.5 सब की कितनी है 3.5 है ओके ये आपको क्या दे रखी है रेडियस दे रखी है तो अपन इसमें एरिया फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे इससे कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे क्या करेंगे कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे 7 मल्टीपल 10 कितना जाएगा 70 70 में से माइनस कर देंगे कौन सा जो ये बिना डार्क वाला है ओके एक सर्किल का एरिया फाइंड करेंगे वो सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे इनमें से ओके तो आपकी ये एरिया आ जाएगा ओके सॉल्व करते हैं तो इधर से मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीपल 7 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके नेक्स्ट अब अपन को कौन सा एरिया फाइंड करना है जो सेगमेंट वाला कौन सा सेगमेंट वन सेगमेंट एरिया ऑफ वन सेगमेंट वन सेगमेंट के एरिया फाइंड कर देते हैं फिर उससे फोर से मल्टीपल करा देंगे वन सेगमेंट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 यहाँ पे पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 आर की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है 3.5
मल्टीपल 3.5 थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है आपको गिवन है, थीटा कितना हो जाएंगे, ईच एंगल पे यहाँ कितना बनता है, रेक्ट एंगल पे वर्टेक्स पे कितने का बनता है 90 डिग्री का, कितने का 90 डिग्री का, जैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनता है, यहाँ 90 और 90 डिग्री के, ओके 90 डिग्री अपॉन 360 कैंसिल हो रहे हैं 4 टाइम 7 से 0.5 ये 11 2, अब सॉल्व करो कितना आ जाएंगे, डायरेक्टिव पे नोट करो कितना आ रहा है, एरिया सॉल्व करके करते हैं 38 इसको कैंसिल मत करो 4 को 4 और इनको 22 रखो, कितना हो जाएंगे 38.50/4, ये किसका है वन सेगमेंट का, इस एक सेगमेंट का है, तो इसके कितने सेगमेंट है 4 है, तो इससे किससे मल्टीपल कर देते हैं 4 से, एरिया ऑफ 4 सेगमेंट इक्वल 4 × 38.5/4 कैंसिल इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब एरिया अपन को किसका फाइंड करना है, जो डार्क वाला एरिया ऑफ, ऐसे करो ये नोट करो पहले, फिर मैं ऊपर नोट करके कराता हूँ आपको, नोट कीजिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देते हैं इसमें से, एरिया माइनस इनमें से कौन सा फॉर एरिया ऑफ फोर सेगमेंट, ओके। तो कितना आ जाएगा 70 − 38.50 एरिया कितना आ जाएंगे 38.05, तो अब आप क्या आ जाएंगे 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके टोटल एरिया आ गया जो डार्क है या सैंड है, नोट कीजिए। और इसी के आंसर के साथ आपके एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको कुछ बेसिक और फॉर्मूले नोट करेंगे और उसके बाद आपकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है और लाइक भी करना है, ओके।